निगम के मास्टर कर्मियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर शहर निगम के सभापति अजय सिंह नारुका ने हस्ताक्षर कर दिए। मास्टर कर्मी कर्मचारी संघ ने पिछले दिनों हुई परिषद की बैठक में कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की थी। निगम में 16 मई 2007 के बाद नियुक्त से मास्टर कर्मी अभी तक अभियाई है। ये लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इन्हें भी निगम में नियमित किया जाए। कर्मचारी संघ ने पिछले दिनों इंदौर आए नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह से भी इस संबंध में मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने सभापति से कहा था कि निगम के कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाए, इस पर राज्य शासन जल्द से जल्द स्वीकृत देगा। सभापति अजय सिंह नारुका ने बताया कि पिछले दिनों परिषद की बैठक में 2007 के बाद नियुक्त मास्टर कर्मियों को नियमितीकरण के प्रस्ताव पर आम सहमति दी गई थी, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। जल्द ही इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। आज जो निगम परिषद ने स्वीकृति दी है 2007 के बाद वाले कर्मचारियों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे कि क्या अभी तक परिषद में स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ये काम रुका हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है। परिषद ने हर निर्णय कर्मचारी के पक्ष में लिया। पूर्व में 4,500 कर्मचारी को सभी के संगठन के प्रयास से, माननीय नरुका जी के प्रयास से, मेयर मैडम के प्रयास से और कमिश्नर साहब के प्रयास से आज विनियमित की तनख्वाह मिल रही। शेष रहे दैनिक वेतन भोगी की मांग कर रहे थे हम लोग संगठन के माध्यम से, जिसमें माननीय मंत्री महोदय द्वारा ये कहा गया था, जयवर्धन सिंह जी द्वारा, कि शेष रहे कर्मचारियों का प्रस्ताव भी अगर परिषद भेज रही है तो हम उस पर विचार करके उनको विनियमित करेंगे। इसी के तारतम्य में हमने सभी महापौर और नरुका जी के माध्यम से एक प्रयास चलाया था, जिसके कारण आज ये सफल हो पाया है कि आज परिषद द्वारा और नरुका जी के प्रयास से, मेयर साहब के और कमिश्नर साहब के प्रयास से एक प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें इंदौर नगर निगम में शेष रहे दैनिक वेतन भोगी को भी विनियमित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।